ये सीन, इसमें ये लड़की बहुत गुस्से में है और लड़के ने उसे किसी चीज़ में फंसा दिया है, तो वो कैसे वहाँ से निकल कर आती है और हाउ एंग्री शी इज़, वो ही सीन था। अपने फ्रेंड को, फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है अपना गुस्सा। ये लड़की बहुत ही हंसमुख है, बहुत अमीर घर से है और बहुत बहुत एंजॉय करती है लाइफ को। इस लड़के से प्यार हो जाता है जो एक गरीब घर से, गरीब भी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है, और यही चलते चलते कैसे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे उन प्रॉब्लम्स के बाहर निकलते हैं, यही मेरा कैरेक्टर है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मीमो बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़के हैं। वो उनमें कोई भी दिखावट नहीं है, कोई भी नखरे नहीं है कि वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं। बहुत ही साधारण हैं, बहुत ही साधारण तरह से काम करते हैं, कोई दिखावा नहीं है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए क्योंकि मैं थोड़ी डरी हुई थी फिल्म साइन करने के बाद कि मीमो का एटीट्यूड क्या होगा मेरी तरफ और कैसे वो बिहेव करेंगे सेट्स पर। मैंने सुना था कि वो बहुत माइंड ब्लोइंग डांसर हैं, जो कि वो हैं, और उसको लेकर भी मैं काफ़ी डरी हुई थी कि मैं कैसे उनके साथ स्टेप्स मैच करूँगी, इतने बड़े डांसर के बेटे, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को उनसे, पर आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल विद हिम। ये फिल्म के ऑडिशन के लिए मैं गई थी और मुझे वहाँ पर दो सीन्स मिले थे, एक सैड सीन था और एक बबली सीन था। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन अच्छा हुआ और फिल्म मुझे मिल गई। इससे पहले मैंने कुछ एड्स किए हैं, आई शॉट फॉर सनसिल्क शैम्पू, थम्स अप एड विद अक्षय कुमार, वीट कमर्शियल विद कटरीना कैफ, यामाहा बाइक, और मैंने कुछ प्रिंट एड्स भी किए हैं, और कुछ 4 से 6 महीने मैंने मॉडलिंग की, उसके बाद मैंने फिल्म में काम चालू किया। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक न्यू कमर हूँ, हर हर इंसान, हर एक्टर का सपना होता है कि वो एक्सप्लोर करे, नए नए रोल्स करे, एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन अभी मैं अपने ही क्लोज, जो मेरे क्लोज है कैरेक्टर्स, वो करना चाहूँगी क्योंकि मैं न्यू हूँ इंडस्ट्री में और मैं चाहूँगी कि मैं अपना एक बार पैर जमा लूँ अच्छे से। उसके बाद मैं, हाँ, डेफिनेटली आर्ट फिल्म्स भी करना चाहती हूँ और बहुत एक्टिंग ओरिएंटेड, बहुत सब्सटेंस वाले रोल्स करना चाहूँगी। मुझे नूतन जी बहुत पसंद हैं और मुझे आजकल के उसमें रानी मुखर्जी बहुत पसंद हैं और साथ में तब्बू भी। थैंक यू सो मच प्रीति।